सो हेलो सोलो पुशर्स, की हाल चाल है? आई होप आप लोग सब बढ़िया ही हो गए। तो यार तुम्हारा भाई आ चुका है आज फिर से न्यू सोलो कॉन्कर रैंक पुशिंग का गेम प्ले वीडियो लेकर के। और जैसा कि तुम लोग जानते हो कि आज है डे वन सीजन का और मैंने यार रैंक पुश कर दिया स्टार्ट अपनी मेन आईडी पे। और मैंने यार आज लगभग 4 घंटे में 200 प्लस की है। अभी मेरा टीयर डायमंड 5 है और 2 घंटे मेरे अभी बचे हुए हैं जो कि मैं वीडियो एडिट करने के बाद, अपलोड करने के बाद, रात में खाना खाने के बाद खेलूंगा। और भाई मेरा टारगेट है आज का 300 से 350 का प्लस। आप लोग यार रैंक पुश कर रहे हो कि नहीं कमेंट करके जरूर से बता देना, और कर रहे हो तो कितना रोज का प्लस कर रहे हो वो भी बताना। तो यार देखो गेम प्ले तो खैर बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो बढ़ते गेम प्ले में बिना किसी देरी के, और यार बहुत मजा आएगा, गेम प्ले कहीं पे भी मिस मत करना। तो फिलहाल इवेंट में तो यहाँ पे इस वाले बंदे को मारते हैं, अपना एक ही किल हुआ था, बाकी यार बहुत सारे किल्स मेरे मिस हो गए। बट यार देखते हैं इस वाले इवेंट पे से कितने किल्स यहाँ पे से निकाल के मैं मतलब जाऊँगा। तो भाई यहाँ पे एक और बोट, 2 किल्स हो गए। भाई यहाँ पे उतरो तो टारगेट रखो कि कम से कम आप 3 से 4 किल तो करके ही जाओ। ये वाला बंदा जो है ना भाई मौली और नेड करने का कोशिश कर रहा था, तो हम इसको मार देते यार, क्योंकि यार काहे को मौली कर रहा था यार मेरे को समझ में नहीं आ रहा था। तो अपने को 4 किल्स मिल चुके थे, तो इधर मैंने सोचा कि चलो भाई चलते हैं, काहे को अब फालतू में इधर को टाइम वेस्ट करने का। तो देखो आगे क्या करेंगे, आगे हमें सर्वाइव करेगा इधर कि नहीं करेगा आपको पता चलेगा। भाई लड़का DBS लेके बैठा था यार, मेरे को पता नहीं था कि इस पे DBS है, और इसने उछल के मार दिया टकले पे और उसके बाद मेरे को पहुंचा दिया प्लेन पे। और मैं प्लेन से जब लैंड करूंगा तो मैं सोच रहा हूँ कि सेफ लैंड क्यों ना कर लिया जाए, 4 किल हो चुका है तो काहे को दे रिस्क ले लूँ यार। तो आप लोग यार कमेंट में एक चीज़ बताओ, गेम प्ले पसंद आ रहा है कि नहीं? नहीं आ रहा है तो भी लिख दो नो, अगर पसंद आ रहा है तो भी लिख दो यस, क्योंकि यार बहुत दिन के बाद आए हैं हम गेम के अंदर वापस, बट अब नहीं जाएंगे ये वादा है हमारा आपसे। तो चलो यार लैंडिंग करते हैं, तब तक एक और हवा। अगर आप लोग भी पेड पुश करवाना चाहते हो तो मेरे को इंस्टाग्राम पे मैसेज कर देना, इंस्टाग्राम का लिंक जो है तुमको मेरा डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलो गेम में आगे बढ़ते हैं, अभी तो बहुत ही मज़ा आने वाला है। इवेंट से नीचे उतरने के बाद तो हम यार मन भर के सोए हैं पूरे रंगल मैप में। उसके बाद जब नींद खुला तो मैं बोला चलो यार अब फाइट लेके चिकन डिनर तक जाया जाए और प्लस लिया जाए। उतने में यार हम पे एक बंदा रश करता है जिसमें थी ग्रोजा, और इसको देखकर हमारी फटी, हम भागे ऊपर, हम बोले यार बक्स दो ग्रोजा है। बट मैंने सोचा कि चलो देखते हैं ये ग्रोजा वाला भाई क्या करेगा, और बस इसका फुट स्टेप सुनने लगते हैं, मतलब पैरों की आहट। और अब देखो मतलब यार ग्रेनेड करने का सही तरीका इस भाई को ही पता था जिनका नाम था सोप। तो भाई इनका नाम साबुन की तरह स्लो था, बंडी का साबुन लग रहा था ये, इसलिए इतना स्लो था। तो यार ग्रोजा वाले को मारने के बाद चैन पे चैन आई, और अब मैं बोला चलो 5 किल तो हो गए, अब अपने को चिकन चाहिए। बट यार तुम देखो आगे क्या होगा नहीं पता, बट देख लेना तब पता चल ही जाएगा। तो जोन हमसे दूर भाग गया था गुस्सा होके, तो यार सामने वाले बिल्डिंग में भी एक बंदा था, उसको जोन में जाना था और मेरे को भी जाना था। तो ये भाई साहब बाउंड्री लांग रहे थे, मतलब पाकिस्तान और इंडिया के बॉर्डर को क्रॉस कर रहे थे। तो मैंने बोला चलो क्यों ना इनको थोड़ा मदद करा जाए, तो मैं इसको बोलता रुक जा बे हेल्प करता तेरी। उसके बाद सामने वॉच टावर पे भी एक बंदा था, तो मैंने सोचा पहले इस बंदे का धंधा ख़राब किया जाए टायर फोड़ के। उसके बाद मैंने सोचा कि 1-2 लड्डू बरसाएंगे, अगर मरा तो ठीक है, नहीं मरा तो भी ठीक है, बिना प्रसाद लिए अपन जोन में जाएंगे। तो यहाँ पे देखो एक ग्रेनेड निकाला और इसको मैंने डाला परफेक्ट टंकी के अंदर, और भाई इससे बच गया। तब मेरे को पता चल गया कि ये डरपोक बाहर भागा है खेत की तरफ हगने, क्योंकि यार इसकी फटी तो ये हगने चला गया खेत में, और ये ग्रेनेड उसको एक्यूरेट जाके लग गया।
तो ये वाला ग्रेनेड कैसा लगा बताना। और यहाँ पे ये मैं जादुई छड़ी यूज़ करने का कोशिश कर रहा था जिससे उड़ते हैं शायद, मेरे को पता नहीं है इस मोड के बारे में। और इस चक्कर में अभी लग रहा है कि मेरी मतलब लंका लगने वाली थी, उतने में यार मैंने बोला चलो यार दौड़ लगाते हैं, हॉर्लिक्स क्यों पी रहे था, थोड़ा सा तो ताकत का ज़रूरत है यहाँ पे दौड़ने में, और अपना हेल्थ देखो। और यस अपन पहुँच गए जोन के अंदर। तो चलो अब ये सामने स्मोक वाले भाई साहब का हिसाब किताब लेते हैं, मेरे को छोड़ के बस दो ही बंदा बचा हुआ है, तो इससे फाइट जो होगा बस देखो। तो ये लड़का हम पे बम बारी कर रहा था, तो हम बोले रुक जा तेरा तबीयत ख़राब है तो थोड़ा सा दवा ले ले, तो बोलता ठीक है ले लेता वो। और भाई यहाँ पे इसको मैंने दवाई दे दी। और भाई अब देखो सामने एक बंदा था जो कि था वुडन वाले घर पे, जिसको लकड़ी का घर कहते हैं। मैं थोड़ा इंग्लिश इसलिए बोल रहा हूँ कि 30 दिन वाली इंग्लिश का क्लास ज्वाइन किया मैंने, तो सोचा क्यों ना यार यहाँ पे बोल बोल के इंग्लिश का थोड़ा प्रैक्टिस करके माँ बहने कर दिया जाए। और अब देखो मैं इसको सोचा था कैसे मारूं, बट यार इस पे एक औजार मशीन थी भाई, मशीन नहीं पता लिटरली इंग्लिश नहीं बोलूँगा क्योंकि यार फिर मजाक उड़ाओगे। मैं बोला इस पे कुछ तो थी, देखो ये मेरे पे ग्रेनेड गिरा रहा था लेज़र राइट की तरह। भाई ये क्या चीज़ है जरा सा आप मेरे को बता देना, भैया तुम लोग बता देना ये कैसे यार निशाना लगा रहा था लेज़र राइट की तरह, ये है क्या हमको नहीं पता था। मैं मजाक नहीं कर रहा, मजाक से हट के। और मेरी फटी यहाँ पे, और मैं सोचा यार मेरी फटी तो दुर्घटना कर सकती है, लेकिन ये वाला भैया टकला दिखाने में पूरा व्यस्त, तो इसको मार के अपन कर लिए बिना डिनर चिकन डिनर विद नो किल्स। तो तुम लोग को चिकन डिनर कैसा लगा जरूर से कमेंट करके बता देना। और इस वाले गेम में मेरे को मिला था 38 का प्लस, जो कि बहुत ज़्यादा होता है। आप लोग मेरा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ऐसा ही मोटिवेशन रैंक कुछ वीडियो देखने के लिए, क्योंकि यार मैं रोज़ बिना फालतू के नमक डाल के मोटिवेट करता रहता हूँ आप लोगों को रैंक पुशिंग के लिए। तो चलो टाटा बाय बाय, मिलते हैं कल एक और न्यू वीडियो पे। बाय बाय, लव यू मेरे भाई लोग।